हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2D कार एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट। ओके, सो सबसे पहले लेट्स सी हाउ वी कैन इंपोर्ट लेयर। ओके, आपने जो भी इलस्ट्रेटर की फाइल आपने जो बनाई है यहाँ पे, स्मोक की बनाई है, ठीक है, कार की बनाई है, मेक श्योर कि आपकी बॉडी यू नो अलग लेयर पे हो, सेपरेट लेयर पे हो, और व्हील सेपरेट लेयर पे हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, व्हील यहाँ पे एक रख लेते हैं कि वहाँ पे तो मैं कॉपी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक ही रख रहा हूँ, ठीक है, और फाइल को सेव कर, क्योंकि मैं वहाँ पे व्हील को अलग डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है, डन। और आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले मैं डबल क्लिक करूँगा, आई इम्पोर्ट द फाइल, लेट्स फाइंड द फोल्डर रॉ वीडियोस, वी डोंट वांट आफ्टर इफेक्ट रेंडर वीडियो रॉ इमेज इलस्ट्रेटर, आई वांट बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, ऑल्ट कंट्रोल एफ प्रेस करोगे, फिट टू कॉम कर लोगे अपनी लेयर को, ठीक है। सो आप एक रोड बनाना चाहते हो तो एक रोड बना सकते हो आप, ठीक है, यहीं पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, यहाँ पे एक बॉक्स ले लो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो ऐसे करके, इसका फिल कलर कर दो आप ग्रे टाइप का, डार्क ग्रे टाइप का, ठीक है, सिंपल, डन। या और डार्क कर दो, नहीं तो वो बैकग्राउंड से वहाँ से मैच हो रही है, ठीक है, डन। स्ट्रोक कलर नन कर दो यहाँ से, सिंपल, नन कर दिया आपने, नाउ यू कैन सी। ओके, अब ठीक है, ये लेयर मैंने बना तो लिए, वैसे इसे आप यहाँ से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना यहाँ पर चला देंगे कार, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने डार्क बना के थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, डन। लाइन कर लेते इसको, ठीक है, डन। तो ये इसको कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे, इसको रखेंगे बीजी, ये होगी हमारी बीजी लेयर, ठीक है। एंड देन इंपोर्ट करेंगे इलस्ट्रेटर की फाइल कार बॉडी। अब मुझे चाहिए यहाँ से कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज, ठीक है, ये सेलेक्ट करेंगे, देन इंपोर्ट। तो मेरे पास क्या होगी, लेयर आ जाएगी बेसिकली। यहाँ पे आप दोनों लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। सो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास ये दोनों लेयर आ चुकी हैं, आप देख सकते हो, एज यू कैन सी, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, डन। मैंने यहाँ रख दिया इसको, मैं व्हील को यहाँ ले आऊँगा इसकी, डन। ओके, और इस व्हील को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, मुझे कार का एनिमेशन क्रिएट करना है, ठीक है। दोनों सेलेक्ट करके एस प्रेस करो, स्केल करो थोड़ा सा, ये लेयर डिलीट नहीं हुई है क्या अभी, तब भी एस प्रेस कर लो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मतलब इतना बड़ा रखेगी लगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डन। ठीक है, हो गया, सिंपल। अब मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, स्केल प्रेस करो उसको, ठीक है, इतना भी ऊंचा टायर नहीं होगा ना यार, इतना ठीक है, ठीक है, ये 100 ही रख लो आप, डन, ठीक है। ओके, अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को रोटेशन चाहिए, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास, मैं
मैं चाहता हूँ कि मुझे टोटल एनिमेशन चाहिए यहाँ तक। ओके तो मुझे यहाँ तक चाहिए एनिमेशन, डन। सो अब मेरे को यहाँ तक मार देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मुझे रोटेशन करना है। कार चलेगी जब यहाँ से, तो उसको रोटेट करना, आर प्रेस करूँगा मैं। अगर मैं इसको रोटेशन करता हूँ यहाँ से लेके 4 सेकंड तक, बेसिकली डालता हूँ कि 4 बार रोटेट हो जाए, ठीक है। तो ये रोटेट हो रही है, व्हील रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली मेरी जो कार है, पी प्रेस किया मैंने, ठीक है, और इसको बेसिकली मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक किया, ठीक है, सपोज दैट डन। अब ये यहाँ से मूव तो हो रही है, ठीक है, वापस यहाँ पे की फ्रेम लगाया पोजीशन का, यहाँ पे लेके गया और यहाँ से लाके यहाँ तक मूव कर दिया, ठीक है, डन। और मैं चाहता हूँ ये भी व्हील भी हो जाए मूव उतना ही, तो मैंने साथ में व्हील को भी कर दिया। ओके तो नाउ यू कैन सी चल रही है कार हमारी, ठीक है। अगर मैंने व्हील की रोटेशन कम कर दी तो ये फास्ट हो जाएगा। देखो व्हील पहले बग गया, कार बाद में आ रही है। पोजीशन की लोकेशन सेम होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी इतनी लोकेशन में कार स्पीड तेज करनी है। सो ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पे इसके अराउंड इंक्रीज कर दूंगा रोटेशन के, ठीक है, आर पेस करूँगा। अगर ये 10 टाइम रोटेट हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। नाउ यू कैन सी, ओके ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बार बार वैल्यू ना डालनी पड़े, ठीक है, या मैं स्लो करूँगा तो मुझे की फ्रेम दूर करना पड़ेगा, ठीक है, या वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, इसको हटाओ आप, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा एक्सप्रेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे लगाते हैं बेसिकली, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि लूप में चलती रहे, क्योंकि अभी तो रोटेशन लगा रहा हूँ, फिर मेरे को वहाँ जाके पूरा रोटेशन लगाना पड़ेगा, वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है, मेरे को स्पीड अरेंज मेरे को करनी है। तो मैं क्या करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कार को मूव करूँ ना, अपने जितनी स्पीड से कार को मूव करूँ उतनी स्पीड से व्हील भी रोटेट हो, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है अभी। देखो मैं कार को मूव करता हूँ तो व्हील भी रोटेट होनी चाहिए। तो मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाऊँगा, देखना कैसे बनाते करते हैं। लेट से मेरा जो व्हील रोटेट है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट प्रेस करूँगा ऑल्ट शिफ्ट इजगल टू, एक्सप्रेशन लग गए यहाँ पे रोटेशन सेलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे टाइप करता हूँ टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, डाल दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, ये स्पीड में घूमेगा व्हील, ये देखो रोटेट हो रहा है ना, इसका पोजिशन बंद कर लो उसका, ठीक है। नाउ यू कैन सी पोजिशन ऑफ रोटेशन ऑन, रोटेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे लगाएंगे हम ऑल शिफ्ट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डन। नाउ यू कैन सी व्हील रोटेट हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो हो रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, टाइम में ही यहाँ पे स्पीड बढ़ा दूंगा, लेट से 500। तो मेरा ये व्हील रोटेट हो गया, देखो स्पीड में है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को अपनी कार को मूव करना है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं कार को मूव करूँ तो व्हील भी साथ में रोटेट होके मूव हो उसके, है कि नहीं है, व्हील साथ में रोटेट होके मूव हो बेसिकली। सो मैं क्या करूँगा, जो व्हील है ना, बेसिकली व्हील की पोजीशन, मैं चाहता हूँ व्हील की पोजीशन, ये जो पेरेंट, इसको बोलते हैं पेरेंट लिंकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको अगर इसकी बॉडी से लिंक कर दूँ तो क्या कह रहा है, दिस प्रोजेक्ट कंटेन्स आर एक्सप्रेशन एरर, ओके, तो ये नहीं घूम रहा बेसिकली, हो ही नहीं पा रहा, ठीक है, एक्सप्रेशन एरर दिखा रहा है ना ये,
एक्सप्रेशन एरर दिखा रहा है। अब आर प्रेस करो, ऑल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, सिफ इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय 400 समथिंग, ठीक है। अगर मैं इसके रोटेशन को इसके साथ पेरेंट करूँ तो होगा, हो गया पेरेंट, है कि नहीं है। मैंने इसके एक्सप्रेशन रोटेशन को यहाँ से कर दिया पेरेंट, तो अब क्या होगा बेसिकली, अगर मैं जब उसको अभी ये मूव नहीं कर रहा बेसिकली, अभी सिंपल वैल्यू डाली है तो ये भी मूव रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसके पेरेंट को इसके साथ पेरेंट कर दिया यहाँ पे पिकविक को उसके इससे कर दिया, तो क्या होगा, ये जब आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो ये मूव नहीं करेगा टायर, ठीक है। लेकिन जब मैं इसकी पोजीशन को मूव करूँगा ना आगे, तो उसका व्हील रोटेट होगा, देखना भी। मैं यहाँ से करता हूँ, फिर वैल्यू डालेंगे हम, अभी तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप करना है मेरे को बेसिकली, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा ना अभी बेसिकली, पोजीशन से कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो हल्का सा मूव हुआ ना, ये देखो हो रहा है। मैं जैसे जितनी स्पीड से मैं कार को मूव करूंगा ना, लिंकिंग बनाई बेसिकली मैंने अभी पोजीशन के साथ, मैं जितनी स्पीड से अगर मैं आराम से कर रहा हूँ तो आराम से व्हील रोटेट हो रहा है, देखा आपने, कम से करूँ तो आराम से हो रहा है कि नहीं है ये चीज़, ठीक है। अगर अब मैं इसकी पोजीशन को बेसिकली, अगर मैं इसको व्हील को भी इसके साथ पेरेंट कर दूँ तो काम बन गया मेरा, देखो है कि नहीं है। अब मुझे कोई वैल्यू नहीं लगानी है बेसिकली, मैं जितनी स्पीड से करूँगा उतनी स्पीड से कार, जितनी स्पीड से कार जा रही है उतनी स्पीड से कार के व्हील रोटेट होंगे, जो एक्चुअल में चलती है, जब कार में चलाता हूँ तो उतनी स्पीड से व्हील रोटेट होते हैं। तो मैंने सारा कंट्रोल इस पर डाल दिया, पहले मैंने इसके पिकविक को इससे डाल दिया, फिर मैंने इसको बॉडी का इससे कर दिया, ताकि पोजीशन उसकी पोजीशन में उसकी रोटेशन का कमांड दे दी मैंने, लिंकिंग कर दी, तो कंट्रोल सारा इस पर आ गया। देखो अब एक्चुअल लग रहा है ना एनिमेशन, ये देखो है ना। सो दिस इज़ द प्रोसेस। अब मैं इस व्हील को रोटेट कर दूंगा कंट्रोल डी प्रेस करके, और मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी, ये देखो एक्चुअल एनिमेशन, ठीक है, आया समझ में आपको। अब मैं क्या करूँगा, बस मुझे इस पे की फ्रेम लगाना है पोजीशन पे यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ 6 सेकंड तक या 4 सेकंड तक ये यहाँ पहुँच जाए, मेरा काम हो गया आराम से। आप देख सकते हो कितना रियलिस्टिक रिजल्ट आ रहा है, ये देखो एक्चुअल लग रहा है कि कार एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। अब कार वाइब्रेट करानी है बेसिकली, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, कार की बॉडी यहाँ से सपोज दैट यू प्रेस करता हूँ मैं, पोजीशन से ही करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। सो या तो एक काम करते हैं, अभी इसमें पोजीशन मैंने लगाता हूँ, लेट्स से अगर मैं इसको प्री कंपोज कर देता हूँ सबको, ठीक है, तो वो चीज़ होएगी, नहीं होगी, ठीक है। अब इसको पोजीशन से कर दिया है ना मैंने, तब मैं इसको वाइब्रेशन वाला वो नहीं दे सकता मूव, समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि मैंने इसको पोजीशन से पेरेंट कर दिया है इसकी, समझ रहे हो। अगर वो चीज़ चाहिए वाइब्रेशन वाली चाहिए तो पेरेंटिंग मत करो, विदाउट पेरेंटिंग कर देना, ठीक है, क्योंकि अब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो उसकी व्हील भी रोटेट हो रही है, क्योंकि पेरेंट हो चुकी है इसकी बॉडी के साथ, है कि नहीं है, इसकी बॉडी के साथ वो पेरेंट हो चुका है। या तो एक काम कर सकते हो, जो पेरेंटिंग उसके साथ मत करो, उसको सबको प्री कंपोज कर दो, साथ में करा दो, समझ रहे हो। लेकिन मुझे ऐसी चाहिए था एनिमेशन, ये देखो, क्योंकि ये चीज़ काम आती, दिस इज़ द प्रोफेशनल, यू नो, प्रोफेशनल वे टू एनिमेट एनी कार, ओके। नाउ कैन सी, डन, स्पीड बढ़ानी है, इसको कम कर दो यहाँ से, ये देखो है ना, ठीक है। तो ऐसे बनाना होता है एनिमेशन, सपोज दैट मुझे यहाँ से इसको यहाँ रखना है, लेट से, ठीक है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ उसकी की फ्रेम को पकड़ के, ये
यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया, ठीक है, और ये वाला की फ्रेम करते हैं 0, तो ये यहाँ से चल रही है, ठीक है। आ जाओ आप, अब मैं चाहता हूँ कि ये फास्ट जाए फिर स्लो जाए, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे किया, ये देखो, ठीक है। वो तो मैं इसको की फ्रेम से, वो तो ग्राफाइट से करेंगे इसका काम। अब लेके आते हैं स्मोक वाली फाइल, लेके आते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करो, करना यहाँ से कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज इंपोर्ट स्मोक, सारे के सारे हमारे यहाँ पे देखो लेयर आ गई सारी। आप एक काम करो, उसको या तो इसकी कंपोजिशन ले आओ पूरी, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये देखो कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, ठीक है। अब आप इसको ना फ्लिप कर लो, ट्रांसफॉर्म में जाके हॉरिजॉन्टल कर लो, हो गया। और इसको मेरे को यहाँ रखना है स्मोक को, बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और ये जाएगी बॉडी के नीचे बेसिकली, ओपन कंट्रोल ओपन ब्रैकेट से इसको कार के पीछे करो, ठीक है, डन। और ये जाएगी थोड़ी सी यहाँ पे एट लिस्ट, रोटेट कर सकते हो, हल्का सा रोटेट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से निकलेगा ना धुआं फटाफट। अब मुझे इन लेयर को आगे पीछे करना है बेसिकली, ये जो सारी लेयर है ना इसको यहाँ पे लाओ इतने सेकंड पे, सबको काट दो, कंट्रोल सिर्फ डी, डिलीट होगी। अब इन सबको आगे आगे शिफ्ट करेंगे, ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ डी सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ यहाँ पर स्नैपिंग करी, इसको आगे कर दिया, तो ये ऐसे ऐसे आएगा। अच्छा, जो पहले जो लेयर है ये तो अपनी 0 के समथिंग है ना, ऊपर से स्टार्ट होगा ना अपने को, ये तो बैकग्राउंड लेयर है बेसिकली, ये है मेन लेयर तो अपनी, है ना। तो इन सबको सिलेक्ट करेंगे हम बेसिकली, ठीक है, इसको डिसलेक्ट करेंगे, यहाँ लाएंगे इसको इधर, ठीक है, और फिर इसको यहाँ लाएंगे, इसको डिसलेक्ट करेंगे, इसको इधर डिसलेक्ट, देन प्लेस सेलेक्ट, डिसलेक्ट, स्नैपिंग, प्लेस, डिसलेक्ट, कंट्रोल के साथ डिसलेक्ट कर रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है, प्लेस, नाउ कैन सी, है ना, डन। ये देखो कैसा लगा, पता लगा स्मोक कैसे वर्क करता है, आओ कंपोजिशन पे, यहाँ देखो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये जो स्मोक स्मोक वाली जो लेयर है इसको भी हम पेरेंट कर देंगे इसकी पोजीशन के साथ, इसकी लेयर के साथ कर देंगे। सो ये इसके साथ अभी जाने जाना, रुको आप आओ यहाँ पे, पी प्रेस करो, पोजीशन को बॉडी के साथ कर दो। अच्छा, ये हो कि नहीं रहा इसके साथ पूरी कंपोजिशन, कोई नहीं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या दिक्कत है। अगर मैं इसकी बॉडी को इसकी पोजीशन के साथ तो नहीं, उसकी बॉडी के साथ करूं तो ये काम होगा, हो गया, ठीक है, नाउ यू कैन सी, ठीक है। स्मोक को भी कर सकते, लेकिन स्मोक खड़े खड़े वहीं निकल जाएगा, वो चलेगी हल्की सी गाड़ी, ठीक है, उसको पहले रोकेंगे वहाँ पे। अभी तो मेरे को करना था, मेरे को इसकी ना स्पीड कम करनी है बेसिकली। आप देखो इसका एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, आ कंपोजिशन पे, यहाँ पे ख़त्म हो रही है इसकी। तो मैंने यहाँ से लेयर को कर दिया कंट्रोल सिर्फ डी कट, ठीक है, फिर यहाँ से इसको कर दिया मैंने, ये देख रही यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ कर दिया ओपन ब्रैकेट। इसका टाइम कम करना पड़ेगा बेसिकली, अब बहुत टाइम, या तो उसको पेरेंटिंग मत करो बेसिकली, ठीक है, स्मोक निकालना अपने को यहीं पे,
कार चलानी बाद में, बस स्मोक लगा लेंगे ठीक है यहीं पे। ठीक है ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, यहाँ तक स्मोक ख़त्म हो जाता, कहाँ तक, यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट जेड। इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो हल्का सा, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, डन। एंड देन नाउ यू कैन सी इसको हल्का सा यहाँ से यहाँ, कंट्रोल शिफ्ट डी, कट गया यहाँ से ठीक है। इसका टाइम कम कर लेते हैं, राइट क्लिक करना है आपको, लास्ट टाइम पे जाना है, टाइम स्ट्रेच पे जाना है। अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो नाउ यू कैन सी टाइम मेरा रिड्यूस हो चुका है यहाँ पे, टाइम और स्पीड कम हो चुकी है इसकी। अब आप देखोगे है कि नहीं है। और अगर मैं और टाइम पे जाऊँगा यहाँ से, टाइम स्ट्रेच राइट क्लिक करके 20 कर देता हूँ या 30 कर देता हूँ, दैट विल बी ग्रेट। नाउ यू कैन सी है ना, लेकिन मेरी कार तब तक के लिए यहाँ स्टिल रहेगी फॉर अ टाइम बीइंग। मेरी कार जो है वैल्यू जो है सेम की फ्रेम को यहाँ पे कॉपी करना है एंड देन यहाँ पेस्ट करना है। कर दिया पेस्ट और इस वाली लेयर को यहाँ पे कर देना है। नाउ यू कैन सी ठीक है, आया समझ में? ये देखो ठीक है, ये देखो आ जाओ आप, ये देखो है ना। और अब इसकी स्पीड में थोड़ा सा खेलेंगे हम। अब आप इसको और टाइम पे जाओ, टाइम स्ट्रेच पे जाओ, एक 20 कर लो उसको, अब परफेक्ट एकदम। नाउ यू कैन सी है ना ठीक है। अब बेसिकली इसको दोनों को सेलेक्ट करो आप, शिफ्ट F9 इजी इन कर दिया ठीक है, ग्राफ एडिटर में आ जाओ आप। अब बेसिकली स्लो करना है बेसिकली मेरे को, अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ थोड़ा सा स्पीड ऐसे इधर कर दूँ, नाउ यू कैन सी ठीक है, जस्ट अपोजिट करना है आपको, ये जो सेलेक्ट करके इसको इधर करना है आपको, इधर के साइड करा आपको ठीक है, तो स्लो जाएगा। अब थोड़ा कम कर देना बेसिकली इसको, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा करना वाला, डन ठीक है। इसको सेलेक्ट करो एक मिनट, ग्रेविटर को यहाँ पे चेक करना है क्या प्रॉब्लम आ रही है ठीक है। राइट क्लिक करके एडिट स्पीड, एडिट वैल्यू, एडिट स्पीड, यहाँ चेक करो आप, बस डन। नाउ कैन सी ठीक है, और थोड़ा फास्ट कर लेना उसको यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार बोला जो जंप करते हैं ना उसके सस्पेंसर मूव करते हैं, वाला भी करेंगे अपन ठीक है। ये देखो थोड़ा ग्राफ एडिटर पे काम करते हैं एक मिनट, इसको ऐसे लेते हैं हल्का सा,
या आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, ईज इन ईज आउट भी लगा सकते हो, स्लो इन स्लो आउट होता है ना। सो आप यहाँ पे आओ, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, ईज इन ईज, ईज इन आउट, ठीक है, सबसे बेस्ट ये कर लो आप, ठीक है, और इसको स्लो कर लो। और ये पीछे जा रही है क्या हल्की सी, जितनी वैल्यूज की यहाँ पे है ना कॉपी कर लो, उतनी वैल्यूज की यहाँ पे पेस्ट मार दो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, डन, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब ये स्मोक यहाँ से गायब हुआ, ये स्मोक गायब हो रहा है बेसिकली, लेकिन स्मोक आना चाहिए पहले, ठीक है, फिर वो गायब होगा धीरे धीरे, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी गायब होगा, है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके टाइम पे जाके इसको रिवर्स फ्रेम कर दूँ, टाइम रिवर्स फ्रेम, ठीक है, कैसा लगा, है ना, सही लगा ना। ये देखो, डन, अब एक और सीन बनाएंगे जिसमें सस्पेंस पर काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो वो वाला कर लेता हूँ बस, बॉडी के मूवमेंट वाला, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, सेव कर लेते हैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में आके, कार एनिमेशन, ठीक है, डन। अब मैं इसको वाइब्रेशन वाला बनाऊंगा, ठीक है, ये कैसे वो मूव करती है, ठीक है, वो चीज आप एक काम कर सकते हो, इसके जो एक्सप्रेशन लगाए थे हमने इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है, आर प्रेस करके, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आप, ऑल्ट शिफ्ट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, हटा दो, ठीक है, एक्सप्रेशन हटा दिया मैंने इसके, ठीक है, पेरेंटिंग हटा दो यहां से, नन कर दो, डन। यहां पे आ जाओ, अब ये यहां पे रोक लेंगे हम इसको, ठीक है, यहाँ पे रोक लो उसको, इज आउट, इज इन आउट, ठीक है, रोक लिया। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब ये जो बॉडी हमारी, पहले तो रोटेशन लगा दूंगा यहाँ पे, एक्सप्रेशन लगा के, ऑल्ट शिफ्ट इज इक्वल टू लेट्स से टाइम मल्टीप्लाई 200, 400 के समथिंग, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई 400, ठीक है, नाउ यू कैन सी व्हील रोटेट हो रहा है, व्हील को यहाँ पे मूव करना है। अब इन दोनों में पी प्रेस करके पोजिशन लगा दो बस, यहाँ से यहाँ तक की, डन डन। नाउ यू कैन सी, ये देखो क्या हुआ, आगे होके पीछे जा रहा हो तो, ठीक है, ठीक है, ये जो यहां तक का ना, उसको कंट्रोल डी के साथ कट कर दो, इतने को फ्रीज कर देते हैं यहां से टाइम में जाके, यहां से हटाई देते हैं इसकी पोजीशन। तो जितनी ये यहां पे है
ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है बेसिकली, यू कर लो ऑन, ये कॉपी कर लो और ये वाली इसमें डाल दो पेस्ट। ठीक है, ठीक है, देखो एक्सप्रेशन लगाने का ये एक थोड़ा सा होता है कि वो वहीं से लो या स्टार्ट होगी। ठीक है, तो उन दोनों को आगे प्रेस कर दो ऐसे करके। ठीक है, नाउ यू कैन सी, अब ये लेयर यहाँ भी दिखनी चाहिए व्हील की। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फ्रिज वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करके, कंट्रोल शिफ्ट सी करके प्री कंपोज। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी कट कर दो और इसको यहाँ ले आओ, ये मुझे चाहिए यहाँ पे बस। ठीक है, ताकि वो विजिबिलिटी इसकी क्लियर हो जाए। ठीक है, खत्म, डन। और जो रोटेशन पे जो एक्सप्रेशन लगा रखे हैं इसको हटा दो, डन। ठीक है, इसको यहाँ लाओ, प्लेस करो उसको यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इसका वाइब्रेशन वाला क्रिएट करना है, तो मैं इसकी बॉडी को पकड़ूंगा, पी प्रेस तो कर ही रखा है इसके, अब इसको वाइब्रेट कराना है हल्का सा, इधर देख लो पहले, इसको वाइब्रेट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं दोबारा प्री कंपोज कर दूंगा, सिर्फ बॉडी को, बॉडी। ठीक है, लग गया, और उसको वो प्री कंपोज, ये तो चल रहा है, अब मैं इसकी बॉडी पर अलग से लगा सकता हूँ, वो मुझे लगानी है कुछ एक्सप्रेशन लगाने, तो इसकी पोजीशन को ऑन करूँगा, हल्का सा वाइब्रेट यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे आ जाओ। अगर ये सपोज दैट हाइट इसकी इतनी है, मैंने 832 है, मैंने अगर इसको लेट से हल्का सा ऊपर करना है मेरे को, अगर मैंने इसको किया 834 समथिंग कर दिया। ठीक है, ये इसको सेलेक्ट किया बेसिकली, देखो की फ्रेम कहाँ लग गया, इसलिए इसको सेलेक्ट करना है आपको, पोजीशन पर क्लिक करना है आपको, बॉडी को मैंने किया ना इसको बॉडी करके। अच्छा, तो देखो जब आप प्री कंपोज करते हो, जैसे बैक करता हूँ, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, यू प्रेस करो, ये बॉडी है, इसको जब आप प्री कंपोज करते हो ना कंट्रोल शिफ्ट सी करके, तो ये पूछता है आपको लीव वाला एट्रीब्यूट करना है या मूव वाला एट्रीब्यूट करना है, तो मैं कहता हूँ मूव वाला एट्रीब्यूट, तो जो आपने की फ्रेम इसमें लगाए होंगे ना वो फिर उसमें नहीं आएंगे। ये देखो, अब मैं पोजीशन ऑन करूँगा इसकी, तो यहाँ पे वो पोजीशन नहीं आएगी इसकी, समझ रहे हो, क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट मूव कर दिया, है ना। तो ये फ़ायदा होता है प्री कंपोज करने का, अगर क्योंकि मेरे को अब इसमें दोबारा से चेंजेस करने हैं, अब मैं इसमें पोजीशन लगाऊंगा अपने अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, अब मैं अपने अकॉर्डिंग पोजीशन लगा सकता हूँ उसमें, समझ रहे हो, कैसे लगाऊंगा ये देखो, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आ जाओ, होम की प्रेस करो, हल्का सा ये अगर 540 की समथिंग है, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, अब देखो 542 करता हूँ इसको यहाँ पे, लास्ट है, इधर देख लो अपना, नीचे हुआ वाइब्रेट करना है, नीचे ऊपर होती है ना हल्की सी वो, तो और फिर इसको कॉपी कर लो की फ्रेम को, वापस से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, कर दिया पेस्ट, अब देख सकते हो आप 45-44 कर दो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा नीचे होगी। ठीक है, और फिर ये वापस से 540 पे, अब इनको ना आप थोड़ा सा पास पास कर लो, जिससे कि वाइब्रेशन हो जाए। अब मेरे को यही कॉफ़ी फ्रेम करने हैं, तो मैं इसको करने की बजाय मैं क्या करूँगा, लूप कट वो लगा दूंगा, लूप का एक्सप्रेशन, लूप आउट, ऑल्ट शिफ्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा लूप आउट, क्या लूप आउट, लूप आउट से क्या होगा, ये चलता रहेगा आगे तक, वो की फ्रेम कॉपी पेस्ट नहीं करने पड़ेंगे बार बार, और देखो ये बार बार चलता रहेगा वैसे, ये देखो है ना। अब इसको स्लो कर दूंगा यहाँ से, तो अपने आप ही काम हो जाएगा मेरा, मेरे को अगर स्पेसिंग बढ़ानी है थोड़ी सी, थोड़ा सा लेट करना है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा स्पेस बढ़ा दूंगा, तो ये स्लो काम करेगा, ये देखो है ना, आया समझ में, और स्लो करना है आपको, आ जाओ आप यहाँ से, इसको थोड़ा सा और दूर करो, इसको हल्का सा और दूर कर दो, ठीक है,
नाउ यू कैन सी, अब लग रहा है ना एक्चुअल कार एनिमेशन आपको, हाँ। अब आपको क्या करना है, यू प्रेस करना है। अब आपको ये जो बीजी है ना, बीजी आपका, आपको उस बीजी को सिलेक्ट करके आपको ना क्या करना है, इसको जब मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे इसको मूव करना है हल्का सा। मैं क्या करूँगा, बीजी के अंदर जाऊँगा, कंट्रोल डी करूँगा बेसिकली, ठीक है, और इसको यहाँ पे भी रख दूँगा। डन। अब इन सबको साथ में अगर मैं इसको करता हूँ मूव, ठीक है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ठीक है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूं ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आ जाओ प्री कंपोज पे, यहाँ पे आ जाओ बीजी पे। आप ये वाला जो ऑप्शन ऑन करोगे ना यहाँ पे, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से मूव कर सकते हो और ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे करना है इसको मूव, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया यहाँ मूव। डन। नाउ यू कैन सी, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं। ठीक है, थोड़ा सा काम करते हैं, एक और की फ्रेम डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है, कार एनिमेशन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।